क्या औलाद को पालना गुनाह है? क्या उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना पाप है? खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भरना अपराध है? बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जमा पूंजी लुटाना पागलपन है? क्या बुढ़ापे में रिश्ते नातों के मायने बदल जाते हैं? बच्चे इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? आज देश के लाखों बुजुर्ग अपनी औलाद से यही सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं उन्हें किस गुनाह की सजा मिल रही है, क्यों उनकी औलाद ही उन्हें खून के आंसू रुला रही है। आज आईबीएन 7 पर सामने आने जा रहा है इन तमाम सवालों से जूझती एक 92 साल की मां का दर्द, जो करोड़पति बच्चों के होते हुए भी है रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज। यह है एक मां की बदनसीबी। नमस्कार, मैं हूं इप्सिता सिंह। हिंदुस्तान की कसम में आज बात एक ऐसी बुजुर्ग मां की जो कहने को तो करोड़पति बच्चों की मां है लेकिन असल में एक एक दाने के लिए मोहताज है। उसका भरा पूरा परिवार है लेकिन उसकी सुद लेने वाला कोई नहीं। उसके बेटा बेटियां नाती पोते रईस हैं लेकिन 92 साल की बूढ़ी मां की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। एक बुजुर्ग मां की ऐसी दास्तान जिसे अपने जिगर के टुकड़ों से ही मिल रही है जलालत। माँ बाप अपनी इच्छाएं मारकर अपने बच्चों को पालते हैं, खुद अनपढ़ होते हुए भी उन्हें पढ़ाते हैं इस उम्मीद पर कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। लेकिन ऐसा ना होने पर माँ बाप पर क्या बीती होगी, इसका जवाब 92 साल की रूप कौर से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली रूप कौर ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने 6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया लेकिन आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। एक बेटा माँ के साथ है लेकिन उसे खुद सहारे की जरूरत है। 72 साल का बेटा निर्मल माँ की देखभाल तो करना चाहता है लेकिन वो खुद ठीक से चल भी नहीं पाता। दोनों बेसहारा एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। इन दोनों को याद भी नहीं कि पिछले 2 सालों में उन्होंने कब भरपेट खाना खाया था। कहने को तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। बेटा बेटियां पोता पोती सभी करोड़पति हैं, सबका अच्छा खासा कारोबार है लेकिन बूढ़ी माँ को सहारा देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं। आज हालत ये है कि करोड़पति बच्चों की माँ कब भूख से अपना दम तोड़ दे कहा नहीं जा सकता। आज 4 साल से 5 साल से यही सोच रहा हूँ कि हमारा खाने पीने का कैसे इंतजाम किया जाए जो कि हमारे स्वास्थ्य और हमारी हमारी हालत इतनी है। हम लेटे लेटे इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमें ये नहीं भरोसा होता कि हम सुबह उठ पाएंगे या नहीं होएंगे। ये बूढ़ी माँ इस कदर टूट चुकी है कि अब इसे अपनी औलाद पर ही यकीन नहीं रहा। उसे हर वक्त ये डर सताता रहता है कि न जाने कब उसके करोड़पति बच्चे उसकी जान के दुश्मन बन जाएं, करोड़ों का मकान हत्याने के लिए न जाने कब उसके नालायक बच्चे उसकी बची कुची सांसें छीन ले। मर के क्या मारेंगे, जो मारते गोलियां बाजार के डॉक्टर से मारेंगे वो क्या लाए, चोर क्या है ये, ठग क्या है ये, किसी को प्राइवेट डॉक्टर से मार के जहर देते हैं, मर जाए कब्जा हो जाए। बेटे बेटियों की ज्यादती सिर्फ रूप कौर ही नहीं झेल रही हैं, 6 साल पहले उनके पति का भी यही हश्र हुआ। टाइम पर इलाज और खाना न मिलने से 2003 में उनकी मौत हो गई, लेकिन बेदर्द बच्चों को माँ बाप पर दया नहीं आई। हमारा अपना फर्ज, हमने अपने बाप के राज में सब कुछ खाया पिया, बाप ने खिलाया, मगर हमने अपने बाप को इतनी हम अपने आप को नीच समझते हैं कि हमें अपने बाप को और माँ को हमें पानी भी नहीं पिला सके।